लो आ गए हम दोस्तों के आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को अपने एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में चलाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह भी बिना सीपीयू की सहायता से। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें एप्टॉयड एपीके डाउनलोड किया था, उसे आप पेन ड्राइव की सहायता से पहुंचवाया था एंड्रॉयड टीवी में। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर एप्टॉयड एपीके की सहायता से ओपेरा मिनी डाउनलोड करना पड़ा था, और डाउनलोड करके ओपेरा मिनी से आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड किया था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया और ट्रेडिंग व्यू को बहुत इजी तरीके से एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल किया है दोस्तों, और आसानी से चला सकते हैं आप। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, आपको किसी भी ब्राउजर में पहुंच जाना, जैसे ही मैं पहुंचता हूं क्रोम ब्राउजर में, और यहां पर आपको टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू एपीके मालविदा। ये देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू एपीके मालविदा आपको यह है सर्च कर लेना है यहां पर आपके, मैं जैसे क्रोम ब्राउजर से कर रहा हूं, ये शुरू में ही आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू 1.16। इसको आपको टैप कर लेना और ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहां डाउनलोड को टैप करना है और आपको ये ट्रेडिंग व्यू को कर लेना है डाउनलोड। सेकंड बार ये डाउनलोड पे अपन ने टैप किया, ये डाउनलोडिंग फाइल यहां डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं ये होने लगा। इससे पहले मैंने ये किया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहां पर बता रहा हूं ये डाउनलोडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, आप देखें ये डाउनलोडिंग चल रही है 5.71 MB पर सेकंड में हो रहा है। तो ये डाउनलोड जैसे ही होता है, इसके बाद क्या प्रोसेस करना है दोस्तों, आपको देखना वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखना है दोस्तों। यदि आप एक भी स्टेप चूकेंगे तो आपकी टीवी में पार्सिंग पैकेज का प्रॉब्लम आएगा और ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल नहीं होगा। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड के बाद ये 3 डॉट बने, यहां पर जाकर यदि आप ये शेयर कर लेते हैं अपने ओटीजी और पेन ड्राइव में, ओटीजी के माध्यम से पेन ड्राइव में और टीवी में अगर पहुंचा देते हैं, तो दोस्तों ये दिक्कत हो जाएगी, आपको पार्सिंग पैकेज का प्रॉब्लम बताने लगेगा। तो आपको दोस्तों करना क्या है, यहां से ये शेयर नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू जो मालविदा एपीके आपने इंस्टॉल किया है, इसको अपने मोबाइल में कर लेना है इंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इंस्टॉल होने लगा, ये इंस्टॉल का ऑप्शन आया और यहां से इसे करना इंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, यही इसकी ट्रिक है। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट शेयर करके कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके स्मार्ट एंड्राइड टीवी में पहुंचा देंगे, तो ये ट्रेडिंग व्यू पार्सिंग पैकेज प्रॉब्लम बताएगा। यहां ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहां ओपन आपको नहीं करना है, ये डन पर क्लिक कर देना और बैक चलना है। अब दोस्तों यहीं से होती है ट्रिक स्टार्ट, आपके मोबाइल में जहां आया है ये लोगो दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का, इस पे करना आपको टैप, और टैप करने के बाद ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस शेयर पर जाना है, और शेयर के बाद ये कॉपी टू, और ये कॉपी टू जो हुआ, अब आपका जो यूएसबी कार्ड आपने लगा रखा यूएसबी स्टोरेज पेन ड्राइव ओटीजी के माध्यम से, उसमें आपको कर लेना कॉपी। दोस्तों यहां पर भी आपको एक फोल्डर बनाना है, जैसे ये यूएसबी में मेरा लिखा है फोल्डर ऑलरेडी बना आपका एंड्रॉयड, या आप एक नया फोल्डर यहां से बना सकते हैं। तो मैं ये एंड्रॉयड में इसको कर ले रहा हूं पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू बेस एपीके ये लोगो आ गया, आपको दिख रहा होगा ये हो गया है इसमें पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होता है टीवी का दौर, एंड्रॉयड टीवी पर पहुंचते हैं अपन, इसे निकाल लेते हैं पेन ड्राइव को, और मोबाइल का काम खत्म दोस्तों। अब चलते हैं टीवी पर दोस्तों, इसके बाद आपको इंसर्ट कर देना अपने यूएसबी को आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में, और पहुंच जाना आपके रिमोट को लेकर यूएसबी को करना है ओपन। जी हाँ दोस्तों, रिमोट का ही यूज करना है, और ये यूएसबी को अपन ओपन करते हैं, और यहां पर आपने जिस भी फोल्डर में अपना ट्रेडिंग व्यू मालविदा डाला, जैसे मैंने एंड्रॉयड में डाला, इसे ओपन कर रहा हूं, यहां पर ये बेस एपी के नाम से आपको मिल जाएगा। नीचे एक और ट्रेडिंग व्यू डाला दोस्तों, ये इंस्टॉल नहीं होगा, ये बेस एपी के वाला जो है आपके में एक ही आएगा, ये मैंने पहले करके देखा था वह, तो बेस एपी के इसको करना ओपन, और ये इंस्टॉल कर दे देगा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रिक्ट से करेंगे तो पार्सिंग पैकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ट्रेडिंग व्यू होने लगा है इंस्टॉल। दोस्तों ये हो गया है इंस्टॉल, और ये नीचे यहां ऑप्शन आपको डन दिख रहा है, और ओपन तो डन कर ले, ओपन करेंगे आप, ओपन भी कर सकते हैं, आपको टीवी को कनेक्ट करना नेट से, ये मैंने डन करा और बैक जा रहे हैं, और अपन अब टीवी को करेंगे कनेक्ट अपने हॉटस्पॉट से, नेट से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये पहुंचते हैं अपन ये ऊपर अपने सेटिंग्स में, ये टीवी की सेटिंग में पहुंचे, और यहां पर ये नेटवर्क एंड्रॉयड एपी ये मैं कनेक्ट कर लेता हूं, ये कनेक्टेड हो गया,
और इसके बाद अब ट्रेडिंग व्यू को ओपन कैसे करना दोस्तों, तो आपको सेटिंग से पहुंचकर ऐप में पहुंचना। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर नहीं आएगा, ऊपर कैसे लाना है वो भी मैं बता दूंगा। आपकी जो एप्स रहती है टीवी में वहां पर आ सकता है, लेकिन अब ये आपको मिलेगा एप्स में। एप्स के बाद आपको पहुंचना है सी ऑल एप्स, सी ऑल एप्स के बाद सो सिस्टम एप्स आपको देखना है। इसमें ये आपको पहुंचते जाना है सिस्टम ऐप में नीचे की तरफ, वहां आपको ट्रेडिंग व्यू सो सिस्टम एप्स ये दिखा, और यहां पर नीचे की ओर आपका डाउनलोड जो किया हुआ अभी आपने जो इंस्टॉल किया है वह ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाएगा। तो नीचे की ओर बढ़ते जाना दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। यहां से यह है ओपन हो जाएगा और ट्रेडिंग व्यू टीवी में होने लगेगा रन। बिना एप्टॉइड, बिना ओपेरा मिनी के कैसे डाउनलोड करना है डायरेक्ट, बहुत ही सरल है दोस्तों। ये मिल गया आपका ट्रेडिंग व्यू, इसको करना है अपन को यहां से ओपन। हर बार दोस्तों जब भी आप टीवी में ट्रेडिंग व्यू चलाएंगे तो यहीं एप्स पर से जाकर ही ओपन होगा। और अगर इसको ऊपर लाना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं वीडियो बना दूंगा ऊपर कैसे लाना है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू हो रहा है अपना ओपन। हो सकता है दोस्तों टीवी हो जाए आड़ा, तो आड़ा हो जाएगा, ये हो गया है। तो इसके लिए थोड़ी देर आपको रुकना है, जब तक ये यहां पर साइड में तीन लाइनें दिख रही हैं भर जाएंगी। इसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका टीवी जो है आपका लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन इंतजार करते हैं, देखते हैं ये जो लाइनें हैं ये हो रही हैं दोस्तों जब तक ये फिल। तो इन लाइनों को आप देखिए, मैं बता दे रहा हूं ये लाइनें ये फिल हो जाएगी, एक दो तीन, और इसके बाद ऑटोमेटिक इसका डायरेक्शन जो है लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो चलिए अपन कर लेते हैं इंतजार। ये सेकंड वाला भी हो गया दोस्तों, और ये थर्ड वाली लाइन भी हो गई। और नहीं तो आप एक बार टीवी को बंद कर सकते हैं, बंद करने के बाद उसको चालू कर सकते हैं तो भी वो ऑटोमेटिक लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो ये थर्ड वाली लाइन रो है, ये भी अपनी फिल हो जाए, इसके बाद ट्रेडिंग भी वो आपका हो जाएगा बिल्कुल लैंडस्केप मोड में और चालू हो जाएगा। तो ये देखिए, देखिए दोस्तों ये हो गया फिल, और ये देखिए हो गया। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग भी आपका। अब यहां पर आप बैंक निफ्टी, इसके बाद आपको करना माउस का यूज। जी हाँ दोस्तों, ये माउस मैंने उठा लिया है और ये बैंक निफ्टी, ये चार्ट खोलता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, आज ये तारीख जो है 21 फरवरी है। आप देखें यहां पर ये बंडे का टाइम फ्रेम लगा है इस पे, ये मैं लगाया है ये 21 फरवरी और टाइम हो रहा 12:44, ये लाइव चल रहा है। इस टाइम फ्रेम को अपन चेंज करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं। ये सेम दोस्तों जैसा कि पीसी में चलता है वैसा कि वैसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीपीयू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 37,938 पर। तो दोस्तों यहां से आप ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह डालना है ये सब आप माउस के द्वारा आप कर सकते हैं, इसमें माउस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आपको। ये ट्रेंड लाइन वगैरह अगर आपको ड्रा करना है जो भी है तो वो आप देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीजें आप यहां कर सकते हैं बिल्कुल पीसी के जैसे दोस्तों ये चलेगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के लिए मैंने किया, ये अपन ड्रा कर सकते हैं जहां से भी इसको आपको ड्रा करना है, जैसा आपको देखना है। ये इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को अपनी एंड्रॉयड टीवी में चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में ही चलेगा, अगर आपके पास केवल स्मार्ट टीवी है तो ये नहीं चलेगा, एंड्रॉयड टीवी होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और आप भी जिस तरीके से आपकी एनालिसिस करते हैं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू को आप अपने स्मार्ट टीवी में डायरेक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने बताया आपको, क्या करना है आपके मोबाइल में ब्राउजर खोलने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू मालविदा एपीके यह डाउनलोड कर लेना और मोबाइल में लोगो आ जाना चाहिए, मतलब मोबाइल में उसको कर लेना इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद आपको पेन ड्राइव में लेना और पेन ड्राइव को टीवी में इंसर्ट करने के बाद आपको टीवी में कर लेना इंस्टॉल। तो बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब। और इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।